You're not a journalist. Your attitude is communal. But if I'm asking... Every time your attitude is communal. If I'm asking for... No, you're communal. I'm telling you on your face. भगवा टोपी पहनकर कश्मीरी पंडितों के बीच आज उन्हें लुभा रहे थे फारूक अब्दुल्ला, लेकिन उनका पाकिस्तान प्रेम कैसे जागा, कैसे उनकी बुद्धि झुंझलाहट में नजर आई, आज इस खबर में हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही थी, लेकिन उन बड़ी बड़ी बातों में जब छोटी सोच नजर आई तब आप क्या कहेंगे। आज फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, भगवा पगड़ी उनके सर पर थी, वहां बैठे थे वो। बात भारत की होनी चाहिए थी, कश्मीरी पंडितों की होनी चाहिए थी, लेकिन जब सवाल पाकिस्तान पर आ गया तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, या यूं कहें कि उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो भूल गए सारी मर्यादाएं, वो पत्रकार को पत्रकार नहीं मान रहे थे। आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। What is way out, sir? But Pakistani terrorists are killing. So why we are giving a clean chit to them? Sardar साहब, आपने पहले भी मुझे बदनाम किया है, माफी मांगता हूं आपसे कहने को। मैंने आपका देखा, मैंने आपसे वार्निंग दी है उस वक्त भी, मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगा। प्लीज मेंड योर वे। As a journalist, sir, I am supposed to ask. No, you are not a journalist. Your attitude is communal. But if I am asking, every time your attitude is communal. If I am asking for Pakistan. No, you are communal. I am telling you on your face. जब जवानों के बलिदान पर सवाल हुआ तो फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया कि तुम पत्रकार नहीं हो, तुम तो कम्युनल हो। आप समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तानी प्रेम कैसे जाग उठा। वही पाकिस्तानी प्रेम उनका कई टीवी चैनल्स में भी नजर आया, जब उनकी झुंझलाहट उस सवाल पर नजर आई। दिल में पाकिस्तान है लेकिन जुबां पर ना आ जाए, इसलिए पत्रकारों को धमकाते नजर आए फारूक अब्दुल्ला। दरअसल ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी यही हो रहा था। फिर चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या हो फारूक अब्दुल्ला, पाकिस्तान इनके दिलों में किस तरह से बसा है ये हर कोई जानता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक की थी, तमाम कश्मीर के दलों को दिल्ली में न्योता दिया था, तब महबूबा मुफ्ती का चेहरा फूल गया था। गुस्सा कैसे था उनके अंदर हर किसी ने देखा था, और फारूक अब्दुल्ला भी कुछ ऐसे ही नजर आए थे। लेकिन आज तो मानो हद ही हो गई। कैसे झुंझुलाहट है, कैसे गुस्सा है, और कैसे अब पत्रकार पर ही फड़क रहे हैं, या यूं कहे कहा जाए कि अपना आपा खो चुके थे सरेआम। उसके बाद वो उठकर भागते नजर आए। आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडेक्स, क्योंकि मुद्दे की बात बदस्तूर जानते हैं। नमस्कार।